गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सूर्या वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पहले लेसन का दो पैराग्राफ पढ़े थे, उससे आगे हम पढ़ते हैं। बट ए मैन ऑफ द टिनिस्ट साइज, बल्कि एक सबसे छोटे आकार का आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल, उसने एक छोटी ऊन, लिटिल का अर्थ होता है छोटी, वूल का अर्थ होता है ऊनी, शर्ट का अर्थ होता है कमीज, विद ओल्ड फैशन ब्रीचिज, ब्रीचिज का अर्थ होता है पतलून, आगे कहता है एंड ए हाई टाल, और एक ऊंची टाल हैट, एक लंबी टोपी, मच लाइक ए विच, मच लाइक का अर्थ की तरह, विच होता है जादूगर। उसने एक छोटी ऊनी कमीज, पुराने फैशन की पतलून और जादूगरनी की तरह एक लंबा ऊंचा टॉप पहन रखा था। ही यील्ड, यील्ड का अर्थ होता है बच्चों चिल्लाना, वह चिल्लाया सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, विश का अर्थ होता है इच्छा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिज, प्रोमिज का अर्थ होता है बच्चों वादा करना, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक विश्वास नहीं कर सका, हाउ लकी ही वाज, कि वह इतना भाग्यशाली है, लकी का अर्थ होता है भाग्यशाली। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का अर्थ होता है बच्चों समस्या, यहाँ उसकी सभी मुसीबतों का जवाब था। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 डेज, केवल तभी यदि तुम सेमेस्टर के अंत तक यानी 35 दिनों तक मेरा गृह कार्य करते रहो। इफ़ यू डू ए गुड जॉब, इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम एक अच्छी नौकरी करते हो, यदि अगर तुम कार्य अच्छी तरह करते हो, आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे ए दर्जा भी मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड का अर्थ होता है बच्चों झुरी पड़ना, छोटे आदमी के चेहरे के ऊपर झुरिया पड़ गई। लाइक ए डिसक्लोथ थ्रोन, थ्रोन का अर्थ होता है फेंकना, डिसक्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर होती है बच्चों टोकनी, और छोटे व्यक्ति के चेहरे के ऊपर टोकरी में फेंके गए बर्तन मांजने के कपड़े की तरह सिलवटें पड़ गईं। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लातें फटकारी, लातें मारी, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुठ्ठियाँ भींची, फिस्ट होती है बच्चों मुठ्ठियाँ, एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पास्ट हिज लिप्स, और उसने अपना मुंह बिचकाया एंड स्काउल्ड, और होठ बंद करके बाहर निकाले, और उसने अपनी आंखों को ताना एंड पर्स्ड हिज लिप्स, लिप्स होते हैं बच्चों होठ, और उसने अपने होठ बंद करके बाहर निकाले। ओ एम आई कस्ट, ओ क्या मैं शापित हूँ, कस्ट का अर्थ होता है बच्चों शापित, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। थैंक्स बच्चों, इससे आगे फिर पढ़ेंगे।